अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो सबसे पहले दिल में जो भी बातें हैं उनकी लगाना छोड़ दीजिए। तो इसी अच्छी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज है नवरात्रा, फर्स्ट नवरात्रा। तो ये ब्लॉग थोड़ा मेरा लेट आएगा, तो मैंने कहा चलो थोड़ा शूट कर लेती हूँ। तो ये फर्स्ट नवरात्रे पर मैंने मतलब नाइट से ही ब्लॉग शुरू करा है, लगभग 6 बज गए होंगे। तो मैंने कहा चलो आज का ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो हम ही यहाँ लोग यहाँ आरती उतार रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में आज आपको पता ही है क्या क्या बनने वाला है। तो दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। आज है नवरात्रा, फर्स्ट तो मैंने पास रखा है, बच्चों ने रखा है, तो उनके लिए फर्स्ट बर्थ वाला ही खाना बनाऊँगी मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कुट्टू के आटे पूड़ी बना रही हूँ। तो अब मुझे पूड़ी बनानी लगभग आ ही गई है, थोड़ी बहुत तो थोड़ी ऐसी हो जाती होंगी, लेकिन अब मैं अच्छी पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ पहले पूड़ियाँ सेक लेती हूँ। आलू सब्जी मैंने बना ही दी है, चटनी भी मैंने बना दी है, पीस के रख दी है। तो यहाँ पहले मैं पूड़ी सेकती हूँ और सब्जी इसी में कढ़ाई में बना लूँगी, क्योंकि फिर ना बाबा अलग बर्तन क्या करूँगी। तो बस यहाँ पर टमाटर प्याज काट के मैंने सब्जी छौंक ली है। तो थाली हमारी तैयार हो गई है, तो आप लोग भी जी खा लीजिए भोग लगाने बाद सीधे। फिर ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो क्योंकि मैं आज का ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, फ़ोन में दिक्कत ज़्यादा हो रखी है, तो मुझे अभी मैं ब्लॉग्स डेली नहीं डाल पा रही हूँ। ब्लॉग्स मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ, आप देख ही रहे होंगे महीने में 4 या 5 ब्लॉग शायद मेरे आ रहे हों। तो अब मैंने दिवाली की ना सफाई करना शुरू कर दी है, क्योंकि अभी मुझे लगा चलो बच्चे स्कूल गए हैं तो ये काम मैं कर लेती हूँ, बेड क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं बेड क्लीन करने के बारे में। तो अभी मैं बस बच्चों को स्कूल छोड़ के नाश्ता वगैरह करने के बाद, किचन का सारा काम समेटने के बाद, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मैं बच्चों पहले किचन का काम समेट लूँ, उसके बाद खाने पीने का होगा ना, जब बच्चे आएंगे उससे पहले थोड़ी रोटियां वगैरह मैं बना लूँगी। तो यहाँ कुछ कपड़े पड़े हुए थे, साड़ियाँ वगैरह भी खुली हुई पड़ी थी बेड में, मैंने कुछ पन्ने निकाले थे जब ही वो खुली रह गई थी। तो मैंने सारा बेड का सारा सामान निकाल लिया है। तो मैं पूरा वीडियो तो नहीं डालूँगी, इसमें बहुत बड़ा वीडियो था, क्योंकि पूरी क्लीनिंग कैसे करी और कैसे मैंने बैग लगाया बेड, तो इसलिए मैं पूरा वीडियो नहीं बना सकती इतना ज़्यादा। और मैं दिखाऊंगी आपको मैं दिवाली की क्या क्या तैयारियां कर रही हूँ और क्या क्या मैंने शॉपिंग की है, वो भी मैं आपके लिए जल्दी से ही डालने वाली हूँ। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए आने वाले हैं, कोशिश यही रहेगी कि ब्लॉग अच्छे आएँ। और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अगर मेरे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने बेड पूरा क्लीन खाली कर लिया था, और बेड में पूरी जो भी मट्टी वट्टी थी वो भी मैंने डस्टिंग कर ली थी, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ दूँ, क्योंकि ना मट्टी ना कितना भी चाहो साफ़ करो लेकिन थोड़ी बहुत हो ही जाती है। तो यहाँ मैं ना पूरे बेड को गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी और पूरा मैं सारा सामान सही से लगा दूँगी। तो दोनों बेड क्लीन करने के बाद मैं दिखाती हूँ मैंने बेड अपना कैसे लगाया। आई होप कि आपको ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। तो देखिए मैंने लगा दिया है और यहाँ पर मेरा बेड लग गया है, ऊपर से कपड़ा इसलिए डाला है क्योंकि जो कोई मट्टी वगैरह ना आए।